दोस्तों कला स्टार फाइनली आ चुका है बहुत दिन के वेट के बाद। इसका टीजर आया था जब से ही हम एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। दिन नहीं साल। हाँ साल तो है, पर टीजर आए को आने के बाद भी काफ़ी हाँ टाइम लगाया आने टीजर में। के बाद भी बहुत टाइम लगा इन्होंने। बेसिकली ये इनका जो पुराना गाना था देसी कलाकार, जो टी सीरीज़ पर अपलोड हुआ था आज से करीब 9 साल 9 साल पहले पहले, तो उसका ये सेकंड पार्ट है जहाँ पर वो भैया हनी सिंह जेल चले गए। तो टीजर उन्होंने देखा कि जेल से वो छूट गया है और अपनी गर्ल बैक चाह रहे हैं, ऐसा टीजर में दिखाया गया था। अब देख लेते हैं वो सॉन्ग, लेकिन इस बार जी म्यूजिक पे है गाना, तो मेक देखते श्योर टू हैं अभी। सब्सक्राइब है अभी ओह को। जेल में भी एक्सरसाइज चल रही है। काफी लंबे गए हैं ये 9 साल के लिए जेल गए। वही कपड़े हुए भाई, वही कपड़े में कंबे का। उधर ब्याह हो गया हाँ ओ एम्स्टरडम। वो ओ एम्स्टरडम। कला स्टार बैक टू द सेकंड चैप्टर। उस साल में साक्षी भी काफी देख लिया बदल उन्होंने। फिर अड़ी उत्ते आया कूड़े जेल विचों सीधा तेरे घर वाल आया। तुरन लगे मैं तेन कॉल करती तू मैनू फिर ना कहीं मैं तेन दस के वाइफ तो अच्छी गाने की। दाढ़ी सफेद। बाहर का गाना होता तभी लिप लॉक, लिप लॉक तो होता है एक दिन का है ना, तो इतने दिन के बाद मिल रहे हैं। इस बार तो प्राइवेट जेट कर लिया उन्होंने भाई, टेंशन नहीं चाहिए। वाह आफ्टर 9 इयर्स यो यो हनी सिंह। असली सोना, इनकी इंस्टा आईडी भी असली सोना नाम से। बाकी है आई गॉट समथिंग फॉर यू। नो ओके ओके अभी इनके पास अभी तक वे यू वांट टू गो सात समुद्र पार लेट्स गो पोर्टो रिको। To be continued.
पार्ट 3 भी आने वाला है, भी आने वाला है भाई। अब भाई फिरेंगे नहीं क्या? एक गाना तो उसका भी बनता है ना यार, तो आजादी का था, पर इसके आगे की स्टोरी क्या होगी वो उसके लिए पार्ट 3 आएगा भाई, पार्ट 3 आएगा। अब ये इंतजार रहेगा, बट ये कितने साल बाद आएगा हाँ ये भी देखना, मेरे ख्याल से जल्दी आएगा, क्योंकि यार तो घूमने की बारी यार, घूम फिर तो टाइम पे लो ना यार। वो तो चलो जेल हो गई थी तो 9 साल वेट कर लिया, मतलब असली तो जेल नहीं हुई थी, बाकी ठीक है बहुत टाइम लगाया, बट बहुत तगड़ा कमबैक दिया है। प्लानिंग के साथ लेके आया, मतलब 9 साल की गैप में आया है, तो 9 साल का ही एज वो बताया बताया उसमें। लेकिन कमबैक बड़ा कमाल का है ये तो मानना पड़ेगा, और जिस तरह का गाने के साथ कमबैक किया है, अनएक्सपेक्टेड था ये कि इस गाने के साथ कमबैक होगा, और स्टोरी भी कमाल की लिखी है इस गाने के लिए इन्होंने, और कमाल के सिंगर एंड डायरेक्टर राइटर तो है ही वो, ही इज़ हनी सिंह यार, यो हनी सिंह। मतलब अगर आप हमारे टाइम के हो और आपने हनी सिंह को नहीं सुना तो मतलब क्या नहीं सुना, बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। हनी सिंह के गाने डॉप शॉप एट देसी कलाकार, बहुत सारे गाने अनलिमिटेड गाने जो हमने सुने इन्जॉय किए हैं और जिए हैं। एक्चुअली उनके गाने रियल लाइफ पर ही होते थे, एक एक वर्ड को आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकते थे कि यार हाँ ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। खास करके उस टाइम पर जो टीनेजर्स होते थे, बचपन की याद, उनके लिए यार स्कूल जाते थे उस टाइम, मज़ेदार गाना आया था। हाँ तो यार देसी कलाकार एंड नाउ सुपरस्टार राइट, कला स्टार। तो मज़ा आया सुन देख के, सुन के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर दो। अगर हनी सिंह फैंस हो तो भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।